बच्चों की तरह हर वक्त गोद में पाला हमको। जुल्म शाही वो जुल्म उठाए जमाने ने कितने, जुल्मी दल दल से एक पल में निकाला हम। हाँ भाइयों, ये बाबा साहब का बयान आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो बाबा ने 1956 में उत्तर प्रदेश में कहा था कि मेरे दो कांधे अभी समाज का बोझ उठा नहीं सकते, इसी के लिए और कांधों की जरूरत है, इसलिए मैंने शिक्षा का प्रसार किया ताकि मेरे लोग पढ़े लिखे और आगे जाकर अपनी समाज की सेवा करें। मगर क्या करें, ये पढ़े लिखे लोग पेट के पुजारी बन गए। ये बाबा ने उस वक्त कहा था, दिल के फफूले फूट गए दिल के फफूले फूट गए दिल की अंगार से, घर हमारा जल गया घर की चराग से, घर हमारा जल गया घर की चराग। 1 2 3 4 स्टार्ट। साथियों, माताओं बहनों, एक एक बात पे तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, और अपने गलती को नहीं माने उसे शैतान कहते हैं।
अपनी गलती स्वीकार करे उसे इंसान कहते हैं और जिंदगी में गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जिंदगी में गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। झूठे इंसान से सदा बचना, झूठे इंसान से सदा बचना यानी बेईमान से सदा बचना। बेच देता है जो जमीर अपना, ऐसे इंसान से सदा बचना। ये चार मिसरे के बाद में बाबा साहब का बयान पेश करूंगा। कौन सा काम है, बाबा कहते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये आपके अल्फाज नहीं, ये बाबा के अल्फाज हैं। अरे कौन सा ऐसा काम है जो ना किया मैंने, कौन सा ऐसा काम है जो ना किया मैंने। भलाई थी तुम्हारी और ना किया मैंने, फिर किस बात की, फिर किस बात की मुझे दे रहे हो सजा, फिर किस बात की मुझे दे रहे हो सजा। क्या आपका बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, तो जो एक एक बात पर। जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज समाज में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार, ऐसे भी लोग हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लेते हैं देते नहीं, और बाबा को ये पसंद नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं फिक्र मुझे ये नहीं, फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं कि उस ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। मनोज राजा पढ़े लिखे लोग घर पेट के पुजारी बन गए, तो मेरे पीछे ये मेरे समाज का क्या होगा, मेरे पीछे ये मेरे समाज का क्या होगा। इसलिए बाबा साहेब बयान करते हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, जिनको आगे दिया, लेकिन मुझे पढ़े लिखे लो लिखे लोगों ने धोखा दिया।
सुनिएगा, पहला बंद पेश करने जा रहा हूं। समझ कर भी आज समझ कर भी आज वो अनजान हूँ, समझ कर भी आज वो अनजान हो गई। इस अंबेडकर को बेईमान हो गए, इस अंबेडकर को बेईमान हो गए, इस अंबेडकर को बेईमान हो गए। समझ कर भी आज वो अनजान हो गए और इस अंबेडकर को बेईमान हो गए। बाबा कहते हैं कि मैंने सारी उम्र शहर में रहने वाले लोगों के भलाई में गुजारी, लेकिन मैंने खेड़े गांव में रहने वाले मेरे भाइयों के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सका हूं। इसका बाबा को एहसास था, ज्यादा वक्त इन लोगों को देकर आगे बढ़ा दिया, मगर इन्हीं लोगों ने बाबा को धोखा दे दिया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं समझ कर भी समझ कर भी आज वो अनजान हो गए, इस अंबेडकर को बेईमान हो गए, लेकिन फिर भी मुझे पढ़े लिखे लोगों दूसरा बन। सूरज सूरज है निकला फिर भी, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, जो ना चाहता था वही बात हो गई, चाहता था वही बात हो गई, चाहता था वही बात हो गई। सूरज सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, और जो ना चाहता था वही बात हो गई। अरे हिंदुस्तान के मायना शायर है, उनका ख्याल देखिए, ये दो मिसरे। ज्यादे जिंदगी में खंजरे जल्लाद के डर से, ज्यादे जिंदगी में खंजरे जल्लाद के डर से, गुलाम अपनी ही गर्दन काटते हैं अपने खंजर से, गुलाम अपनी ही गर्दन काटते हैं अपने खंजर से। और यही मुसलसल धोखा बाबा के साथ में हुआ, इसीलिए कहना है सूरज सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, जो ना चाहता था वही बात, जो ना चाहता था वही बात हो गई, जो ना चाहता था वही बात हो गई। और इसी बात
बता दिया। ये मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लिखे अनपढ़ के बन के सरदार बैठेंगे, पढ़ लिख के अनपढ़ के बन के सरदार बैठेंगे, और जहां एक की जगह है वहां हजार बैठेंगे। पढ़ लिखे अनपढ़ के बन के सरदार बैठेंगे, जहां एक चाहिए वहां हजार बैठेंगे। तू तू मैं एक दिन मनोज राजा अपने ही पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मार बैठे। क्योंकि एक तरफ बाबा साहब खिलाफ दुनिया सारी थी, और मजहब के वास्ते लड़ने वालों की गद्दारी थी। लाख दुश्मन मेरे भीम का कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि कलम भीम जी की तलवार से भी भारी थी। आज हम करोड़ों की तादाद में होकर, और वो अकेला होकर जिस तरह से लड़ा, आज हम करोड़ों नहीं लड़ पाते। क्यों? कि वो बात, वो जज्बा हम में नहीं रहा। और बाबा कहते हैं, जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा। जिनके लिए जंग में लड़ता रहा और तूफान में भी आगे बढ़ता रहा, मगर किसी ने ना बाल मेरा बाका किया, किसी ने न बाल मेरा बाका किया, लेकिन मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 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 पढ़े लिखे आखिरी बंद पेश तवज्जो चाहूंगा। और ये बयान बाबा का है, कहते हैं, पढ़ लिख कर आज वो आगे बढ़ गए, 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 मेरे समाज को वो भूल गए, मेरे
लिखकर आज वो आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे समाज को ही भूल गए। अफसोस, मेरे समाज को भूल गए। मनोज राजा छलिए, मनोज राजा छलिए अनोखा किया, मनोज राजा छलिए अनोखा किया। मुझे बड़े लिख लो दिया। लेकिन हाय अफसोस, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों